गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी प्यारे विद्यार्थियों को गुड इवनिंग मैं यादवेंद्र सिंह यादव न्यू अतुल अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। <clears throat> जैसा कि आपको पता है कि हम लाने वाले थे आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कैलेंडर जिसका दबदबा आज मार्केट में बहुत ज्यादा मचा हुआ है और जो अभी आप वर्तमान में आपकारी का पेपर चल रहा है उसमें भी क्वेश्चन आ रहे हैं एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं कैलेंडर के आपने कैलेंडर कहीं पढ़ा होगा तो अच्छी बात है लेकिन यहाँ पढ़ के देखिए आपको पता लगेगा कि कैलेंडर है क्या है ना मैं कैलेंडर के जो उसका असली रूप है उससे परिचित कराऊंगा बस लेकिन मेरी एक विशेषता है आपको पहले से पता होगा कि मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूं और हाई लेवल तक ले जाता हूं आपने मेरे से कई टॉपिक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि मैं बहुत नीचे से स्टार्ट करता हूं और एकदम बिल्कुल आपको आसमान तक लेकर जाता हूं तो आप विश्वास रखिए कैलेंडर ऐसा पढ़ाएंगे आप लोगों ने कोड वगैरह दुनिया भर का वगैरह वगैरह बहुत कुछ पढ़ा होगा लेकिन मैं एक भी कोड यूज नहीं करूंगा एक भी कोड यूज नहीं करूंगा और दुनिया का कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप यो यो उड़ा दोगे ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं आपने कैलेंडर पढ़ा होगा अच्छी बात है लेकिन इधर पढ़ के देखिए क्वालिटी मिलेगी जो आप लोगों के क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाते हैं कोड रखने से कि आंसर आ रहा है सोमवार और आपका आ रहा है मंगलवार या फिर ऐसा कि आंसर है सोमवार और आंसर आ रहा है रविवार जो एक माइनस एक और प्लस एक का डिफरेंस रहता है उसको क्लियर कर देंगे गारंटी विश्वास रखना चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो अभी देखना अभी सभी बच्चों को गुड इवनिंग गुड इवनिंग अभी आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करोगे ताकि बच्चे जुड़ पाए ज्यादा से ज्यादा और इस सेशन का आनंद ले पाए क्या है बच्चों को पता नहीं है अभी मैं समझाना स्टार्ट करूंगा फिर वो बीच में आएंगे फिर क्या बोलेंगे सर मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा है सर मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा है ऐसा बोलेंगे इसलिए थोड़ा सा आप शेयर करिए लिंक को और फिर हम अपना धुआंधार कॉन्सेप्ट आपके सामने एकदम बेसिक से बढ़ाना स्टार्ट करते हैं और लगभग आज कल और परसों तीन दिन में कैलेंडर खत्म हो जाएगा इतने धुआंधार तरीके से कि जो बच्चे देख रहे हैं मेरे ऑफलाइन वाले और ऑनलाइन वाले उनको मजा आ जाएगा गारंटी इस बात की आप थोड़ा सा लिंक को गुड इवनिंग गुड इवनिंग स्मार्ट बॉय जी गुड इवनिंग करण राज गुड इवनिंग सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग बस आप वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिए तब तक हम अपना काम करना स्टार्ट करते हैं अभी देखना आप और कुछ कोई दिक्कत हो आवाज सही आ रही क्या गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सोनिया परमार जी गुड इवनिंग बच्चों की अनुमति आ चुकी है कि सर स्टार्ट करो चलो स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ रहे हैं कैलेंडर अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा यदि उसको यह भी पता नहीं होगा कि महीने कितने होंगे तो भी समझ में आएगा गारंटी दे रहा हूं इधर देखो अभी अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको कैलेंडर अभी मैं बताऊं कि कैलेंडर होता क्या है कैलेंडर होता क्या है तो कैलेंडर में हमें तीन चीजों का अध्ययन करना होता है एक तो दिन का महीनों का और वर्ष का दिन का महीनों का और वर्ष का कैलेंडर एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो अभी सुनना एक मिनट अभी देखना अभी मैं आपको समझाऊं कैलेंडर के बारे में तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि दिन कितने होते हैं सात होते हैं महीने कितने होते हैं बारह होते हैं साल के बारे में हम अभी बात करते हैं इधर देखना अभी मैं करता हूं पहले दिन की पहले मैं बात करता हूं महीने की और फिर करेंगे वर्ष की फिर जब एक डे निकालना होता है कि इस डेट को कौन सा दिन होगा इस डेट को फलाना ढिकाना दिन है तो फलाने ढिकाने दिन को कौन सा दिन होगा इसका अध्ययन भी हम करेंगे बस क्या रखिए धैर्य धैर्य रख इधर देखो अभी मैं आपको महीने के बारे में बता रहा हूं पहले तो आपको याद होना चाहिए कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं ये तो कोई कोड नहीं है ना बस आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं तब तक मैं महीने बता रहा हूं थोड़ा सा लिंक को शेयर करिए देखो इधर देखना अभी इधर देखना क्या होता है जनवरी जनवरी हुआ फरवरी फरवरी मार्च अप्रैल 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 मई मई जून जून जुलाई 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 के बाद अगस्त जुलाई के बाद अगस्त सितंबर सितंबर अक्टूबर अक्टूबर नवंबर नोट्स बनाते जाइए साथ साथ में मैं क्या बोल रहा हूं आपको दोबारा कैलेंडर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो नवंबर और दिसंबर ए दिसंबर अभी देखना अभी आपको याद रखना है कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है तो हमें इसके लिए एक तरीका बता रहे हैं यदि आपको क्योंकि हमें तो कुछ ही सेकंड में बताना है कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं तो हमें याद रखने के लिए देखो एक मैं बताता हूं एक फॉर्मूला एक जुगाड़ बताता हूं तो इसको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं देखो इधर देखो ये है इसका जुगाड़ आप, आप जू जु, अपजू 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 के तीस के बाकी के इकतीस के... के अट्ठाईस की फरवरी अट्ठाईस की अट्ठाईस की फरवरी अट्ठाईस की फरवरी चौथे सन उन्तीस अट्ठाईस की फरवरी चौथे सन चौथे सन उन्तीस इधर देखना एक मिनट अभी इधर देखना क्या लिखा है एक ट्रिक है आपको याद रखने का ट्रिक नहीं है वो ये भी होता है लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको डाउट जाएगा इसलिए मैं ये बता रहा हूं बस बच्चों जैसे जैसे बच्चे चिल्लाते हैं ना वैसे चिल्लाना है कि अपजू सित के अपजू सित के बाकी के इकतीस अट्ठाईस की फरवरी और चौथे सन उन्तीस मतलब बोलेंगे कि हर चार साल बाद जो फरवरी आएगी वो उन्तीस की होगी क्यों होगी अभी बताऊंगा इसको प्रूव करके अभी तो ये बताओ अप है अप्रैल अप से होता है अप्रैल अप जू से होता है जून जू से होता है जून और सित से होता है सितंबर सितंबर और नव से होता है नवंबर नव नब से क्या होता है नवंबर अभी देखना इधर मतलब अप्रैल जून सितंबर और नवंबर तीस तीस दिन के होते हैं कौन कौन सा अप्रैल जून सितंबर और नवंबर तो अप्रैल को तीस लिख दिया अप्रैल को जून को जून भी तीस का अपजू सितनौ सितंबर भी तीस का ये भी लिख दिया अपजू सित और नवंबर भी तीस का बाकी के इकतीस बस चार महीने तेतीस के होते हैं अप्रैल जून अपजु मतलब सितंबर और नवंबर के के बाकी के 28 की फरवरी और चौथे मतलब अट्ठाइस की भी फरवरी आएगी और उनतीस की भी फरवरी आएगी बाकी आपको जो कुछ भी दिख रहा है उसमें इकतीस इकतीस दिन होते हैं ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है लेकिन हमारा फर्ज है बताना क्योंकि हम एक प्लेटफॉर्म पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमें छोटी से छोटी चीज बताना चाहिए अभी देखना ए बी इकतीस का होगा ए बी इकतीस का होगा इतना तो आपको पता लग गया होगा बस कुछ भी नहीं देखना है उत्तीस के बाकी के इकतीस अट्ठाइस की फरवरी चौथे सन उन्तीस अप्रैल जून सितंबर नवंबर तीस के होते हैं बाकी जितने भी महीने बचे वो इकतीस के होते हैं फरवरी 28 की भी होती है 29 की भी होती है हम अभी देखेंगे कि कब 28 की कब 29 की अभी देखना ये तो आपने समझ लिया होगा शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो ले सकते हो अभी देखो अभी अभी हम बात करें अगले कॉन्सेप्ट पर तो देखना एक कैलेंडर का अभी देखो अभी एक और मैं बात बताऊं आपको थोड़ा सा एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पहले मैं देखना एक बार ये देख लिया महीने के बारे में अभी मैं बताऊंगा आपको क्योंकि हमें क्या क्या पढ़ना है कैलेंडर में दिन महीने महीने और वर्ष अभी हमने के बारे में देख लिया है कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है अभी हम पढ़ेंगे वर्ष के बारे में किसके बारे में वर्ष के बारे में बहुत ध्यान से देखना बच्चों को अभी यही क्लियर नहीं होता है कि कौन सा साधारण वर्ष कौन सा लिप वर्ष कौन साधारण शताब्दी वर्ष कौन लीप शताब्दी वर्ष तो अभी देखना इधर अभी मैं वर्ष की बात करूं वर्ष किस की बात कर रहा हूं वर्ष की बात कर रहा हूं और वर्ष होते हैं कितने प्रकार के वर्ष होते हैं दो प्रकार के कितने प्रकार के अभी मैं वर्ष की बात कर रहा हूं अभी मैंने महीने की बात कर ली है अभी वर्ष की बात कर रहा हूं और वर्ष की बात करूं तो वर्ष होते हैं दो प्रकार के बहुत ही ध्यान से समझिएगा वर्ष होते हैं दो प्रकार के और वर्ष दो प्रकार के होते हैं एक तो होता है साधारण वर्ष एक होता है साधारण वर्ष एक होता है साधारण वर्ष एक होता है एक होता है लीप वर्ष एक होता है लीप लीप वर्ष, वर्ष या इसी को बोलते हैं एक थोड़े से स्टैंडर्ड भाषा में अधिवर्ष क्या बोलते हैं अधिवर्ष इसी का दूसरा नाम है अधिवर्ष वर्ष दो प्रकार के होते हैं एक साधारण वर्ष और लीप वर्ष अभी है ना थोड़ा सा संयम रखिए अभी यह साधारण वर्ष होता क्या है मैं अभी बताऊंगा और लीप वर्ष क्या होता है अभी चर्चा करेंगे इधर देखना अभी मैं साधारण वर्ष की बात करूं तो साधारण वर्ष के बारे में आपके सामने मैं डिस्कस करूं तो देखना इधर साधारण वर्ष में होते हैं तीन दिन अभी इसकी विशेषताएं बता रहा हूं साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं तीन पैंसठ दिन या ऐसा बोले कि इसमें बावन सप्ताह बावन बावन सप्ताह बावन सप्ताह एक दिन होता है बावन सप्ताह एक दिन होता है या ऐसा बोले कि इसमें जो फरवरी होती है इसमें जो फरवरी होती है इसमें जो फरवरी होती है वो अट्ठाइस दिन की होती है फरवरी कितने दिन की होती है अट्ठाइस दिन की होती है या ऐसा बोले कि जो भी साधारण वर्ष होगा इसमें भाग देने पर चार से भाग नहीं जाता चार से चार से भाग भाग नहीं नहीं जाता है चार से भाग नहीं जाता है अभी देखना इधर अभी मैं एग्जाम्पल की बात करूं देखो एग्जाम्पल अभी हमने कितने आपके सामने पॉइंट डिस्कस कर दिए देखना कि जो साधारण वर्ष होगा उसमें तीन सौ पैंसठ दिन होंगे बाउंस सप्ताह एक दिन होगा फरवरी 28 दिन की होगी चार से भाग नहीं जाएगा अभी देखना अभी देखना संयम रखो थोड़ा सा अभी देखो साधारण वर्ष के अंतर्गत जैसे मैं बोलू दो हजार इक्कीस दो हजार इक्कीस दो हजार उन्नीस दो हजार सत्रह और बोलू तो उन्नीस सौ नवासी अभी इसके बारे में पहले मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से देखना साधारण वर्ष बोलेंगे किसको साधारण वर्ष उसको बोलेंगे जब भी वर्ष की चेक करने की बात होगी तो यहां चार से विभाज्यता का नियम लागू होगा चार से चार से चार से विभाज्यता का नियम लागू चार से विभाज्यता का नियम चार से विभाज्यता का नियम चार से विभाज्यता का नियम लागू अभी देखना अभी जब वर्ष की बात होगी और हमें यह जानना है कि यह साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है क्योंकि वर्ष दो प्रकार का होता है एक साधारण वर्ष एक लीप वर्ष अभी जब भी आएगा आपके सामने कि आप यह बताओ कि यह साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है तब आप चार से विभाज्यता का नियम लगाओगे और चार से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि आपके सामने एक बहुत बड़ी अंकों की संख्या लिख दी जाए माना कि मैं लिख रहा हूं कुछ भी लिख दूं कुछ भी लिख दूं अभी आपको जब भी चार से विभाज्यता का नियम लगाना है तो इसकी जो इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या मतलब बोले कि पीछे के दो अंकों में आप डायरेक्ट चार से भाग लगाओगे यदि चार से भाग इसमें चला गया तो संख्या चार से डिवाइड है और यदि चार से भाग नहीं गया तो चार से डिवाइड नहीं है बस चार से विभाज्यता का नियम हो गया कि पीछे के दो अंकों में चार से भाग लगाओगे अभी देखना साधारण वर्ष होगा तो साधारण वर्ष होगा तो तीन सौ पैंसठ दिन होंगे एक एक बात नोट करना बावन सप्ताह एक दिन होगा बावन सप्ताह का मतलब कि यदि मुझे तीन सौ दिन होते हैं तीन सौ कितने ग्रुप निकालू तीन सौ पैंसठ दिन से सात सात दिन के ग्रुप निकालू तो कितने राउंड फिगर बन जाएंगे देखना आप सात पना कितना होता है पैंतीस होता है इधर एक ये पंद्रह सात दूनी चौदह अभी देखो कितना शेष बचा एक शेष बचा तो ऐसा बोलेंगे कि बावन सप्ताह तो इसमें पूर्ण बन गए बावन सप्ताह तो पूरे हो गए और एक शेष बचा मतलब ऐसा बोलेंगे कि बावन सप्ताह और एक दिन होता है क्योंकि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं तो बावन सप्ताह एक दिन अभी फरवरी 28 की होगी साधारण वर्ष में फरवरी 28 की होगी अभी देखना अभी 4 से भाग नहीं जाता है जो साधारण वर्ष होगा उसमें चार से भाग नहीं जाता है कैसे देखो अभी ये है एग्जाम्पल ये लिखा 2021 अभी आप बताओ इस इक्कीस में पीछे के दो अंकों में हम चार से भाग लगाएंगे तो चार से भाग नहीं जाएगा इसलिए ये कौन सा वर्ष हो गया साधारण वर्ष हो गया ये 2019 के पीछे के दो अंकों में चार से भाग लगाओगे तो चार से भाग नहीं जाएगा क्योंकि जो साधारण वर्ष होगा उसमें चार से भाग नहीं जाएगा देखो ये साधारण वर्ष है ये साधारण वर्ष है तो चार से भाग नहीं जाता ये लिखा है बिंदु देखो कि जो भी साधारण वर्ष होगा चार से भाग नहीं जाता है ये साधारण वर्ष की विशेषताएं कितनी एक दो तीन चार और पांच अभी देखो 2017 साधारण वर्ष वर्ष है कि आपसे पूछा जाए तो आप पीछे के दो अंकों में भाग लगाओगे यदि भाग नहीं जाएगा तो बोलेंगे कि साधारण वर्ष है यहां उन्नीस सौ नवासी में भी चार से भाग लगाओगे तो भी चार से भाग नहीं जाएगा और क्या बोलेंगे कि यह भी साधारण वर्ष है अभी मैं वर्ष की बात करूं तो मुझे यह बताओ कि लीप वर्ष में होते हैं तीन दिन अभी क्यों होते हैं ये भी मैं बताऊंगा लीप वर्ष में होते हैं तीन दिन अभी दूसरी बात करूं तो इसमें होते हैं बावन सप्ताह बावन सप्ताह अभी 366 में आप सात से भाग देंगे तो बावन सप्ताह और दो दिन शेष बचेंगे ध्यान रखना है ये अभी काम आएगा थ्योरी में बावन सप्ताह दो दिन होते हैं अभी मैं बात करूं तो इसमें जो एक दिन बढ़ क्यों गया है क्योंकि लीप वर्ष और लीप वर्ष में फरवरी उन्तीस की होती है फरवरी कितने की होती है फरवरी 29 दिन की होगी दिन की क्या होगी? फरवरी होगी दिन की फरवरी होगी। ये भी हो गया अभी अगली बात करू तो मैं बोलू चार से भाग जाएगा चार से चार से भाग भाग जाएगा चार से भाग जाएगा चार से भाग जाएगा अभी मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो क्या आएगा एग्जाम्पल में आएगा जैसे 2020 अभी आप चार से भाग दोगे लास्ट के दो अंकों में तो चार से भाग चला जाएगा अभी अगला एग्जाम्पल लिखूं तो 2024 2024 भी आ जाएगा अभी और अगला एग्जाम्पल लिखूं तो और भी लिख सकता हूं आप लिख सकते हो दो हजार बारह दो हजार सोलह ये लीप वर्ष के उदाहरण है लीप वर्ष के उदाहरण है कैसे पता चला क्योंकि हमें जब भी वर्ष पूछे हमसे चार से विभाज्यता का नियम लगाना है चार से भाग चला जाए यदि पीछे के दो अंकों में तो बोलेंगे लीप वर्ष है। और यदि पीछे के दो अंकों में चार से भाग नहीं जाए तो बोलेंगे साधारण वर्ष है बस इसकी विशेषता है कि इसमें तीन दिन होते हैं जो भी लिप वर्ष होगा बावन सप्ताह दो दिन होंगे उनतीस दिन की फरवरी होगी चार से भाग जाएगा और 2020, 2024, 2012 और 2016 हजार वर्ष के अंतर्गत आएंगे अभी थोड़ा सा अभी आपको भूल रहा होगा मैं अभी एक जुगाड़ बताता हूं कि इसको याद कैसे रखना है पहले आप लोग अपना रिप्लाई करेंगे थोड़ा डार्क कर लो सर जी दिखने में दिक्कत आ रही क्या ये बताओ पहले दिख नहीं रहे क्या ढंग से कलर चेंज कर दूं क्या अब कैसा दिख रहा है ऐसे में अच्छा दिख रहा है ना लीप ईयर में सप्ताह दो दिन फरवरी की चार का भाग जाएगा जी बिल्कुल अभी इतना आप लीजिए। अभी मैं बात करूं आपसे कि आप याद कैसे रखोगे इधर देखना एक मिनट अभी आपको याद रखना है कि चार से बवा के नियम में अब आप मुझे बताओ आप कैसा बोल देते हैं एक, एक सामान्यता है ऐसी बात बोलते हैं जैसे अभी जो तो देहात गांव के लोग होते हैं उनको तो चाय पीने की आदत होती नहीं है चाय सुनो अभी इसको याद रखने का मैं जुगाड़ बताता हूं एक आपको ध्यान से सुनना जैसे जो सामान्यतः गांव के लोग होते हैं ग्रामीण एरिया से होते हैं गांवों से होते हैं शहरों वालों की बात नहीं कर रहा हूं गांव वालों की बात कर रहा हूं जो ग्रामीण एरिया से होते हैं तो मुझे वो बताओ वो चाय पीते हैं क्या नहीं पीते हैं चाय नहीं पीते हैं इसलिए बोला जाता है कि जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं उनकी जिंदगी बड़ी साधारण सी होती है कैसी जिंदगी होती है बड़ी साधारण सी होती है और जो शहर में रहते हैं उनको तो सुबह से उठ के एक कटोरा तो चाय चाहिए चाहिए कि नहीं चाहिए एक कटोरा चाय चाहिए एक बैग भर तो उनको ब्रेड चाहिए चाहिए डेली की नहीं चाहिए आप बताओ अभी शहर के लोगों की यही आदतें होती हैं कि उनको पहले उठेंगे वो पाओ जमीन पर बाद में रखेंगे पहले उनको चाय चाहिए क्या चाहिए चाय मतलब मैं बोलूं कि जो गांव के आदमी हैं ग्रामीण एरिया के हैं वो चाय नहीं पीते हैं मतलब साधारण होते हैं और जो गांव जो शहरों में होते हैं वो चाय बहुत ज्यादा पीते हैं मतलब बोले तो स्टैंडर्ड होते होते हैं ये अपना याद रखने का कॉन्सेप्ट है देखो अभी जो साधारण वर्ष होगा या ऐसा बोलू जो साधारण आदमी होगा वो चाय पिएगा क्या नहीं पिएगा नहीं पिएगा साधारण चाय तो चाय नहीं पिएगा तो चाय से भाग नहीं जाएगा चाय नहीं पिएगा तो चार से भाग नहीं जाएगा अभी जो चाय पिएगा मतलब स्टैंडर्ड आदमी है चाय पिएगा तो चार से भाग जाएगा देखो चार पिएगा तो चाय से भाग जाएगा इससे आप याद बिल्कुल स्पष्ट रखते हो कि लिप वर्ष क्या होता है जिसमें चार से भाग जाएगा साधारण वर्ष क्या जो साधारण व्यक्ति क्या होते हैं चाय नहीं पीते हैं तो चाय से भाग नहीं जाएगा ऐसा आपने में भेद कर सकते हो इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना हो तो ले लीजिए बाकी आगे की ओर बात करते हैं इतना हो गया बस पढ़ लिया है चार से का नियम लागू करना है अभी आगे की ओर देखना अभी एक और धुआंधार अभी कोई दिक्कत आ रही है क्या समझ में आ रहा है कि नहीं गुड इवनिंग गुड इवनिंग विक्की चौहान गुड इवनिंग अभी देखो अभी मैं बात करूं अभी देखना अभी अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्यों होता है मैं बता रहा हूं आप चीजों को पढ़ तो लेते हो लेकिन आप उनको ओवरलैप करने की कोशिश करते हो उनको है ना इधर इधर घुसाड़ने की कोशिश करते हो इधर उनको मिलाने की कोशिश मत करना अभी देखना ये एक और बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं अगले दो मिनट में अभी देखना आप अभी मैंने वर्ष का कॉन्सेप्ट आपके सामने पेश किया है कि वर्ष दो प्रकार का होता है साधारण वर्ष लिप वर्ष साधारण वर्ष की बात करूं तो तीन दिन तीन दिन फरवरी अट्ठाइस की होती है फरवरी उन्तीस की होती है इसमें चार से भाग नहीं जाता है इसमें चार से भाग जाता है बावन सप्ताह एक दिन होता है बावन सप्ताह दो दिन होते हैं इतना आपको क्लियर हो गया होगा अभी मैं एक और बात करूं कि अभी तो वर्ष पहचान लिया अभी मुझे यह पहचानना है कि शताब्दी वर्ष क्या होता है शताब्दी वर्ष अभी तो हमने वर्ष पढ़ा वर्ष दो प्रकार का होता है अब शताब्दी वर्ष भी दो प्रकार का होता है शताब्दी वर्ष भी दो प्रकार का होता है ध्यान देना एक होता है साधारण शताब्दी वर्ष एक होता है साधारण साधारण शताब्दी वर्ष एक होता है साधारण शताब्दी वर्ष एक होता है लीप शताब्दी वर्ष लीप लीप शताब्दी लीप शताब्दी वर्ष एक होता है लीप शताब्दी वर्ष एक होता है साधारण शताब्दी वर्ष अभी देखना अभी मैं क्या बोल रहा हूं एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा राम 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 <laughs> कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर राम राम तो मैंने भी बोल दिया है कि आपको राम राम इधर देखो अभी मैं बोलू अभी वर्ष पढ़ चुके हैं वर्ष दो प्रकार बिल्कुल अलग अलग रखना चीजों को है ना मिक्स मत करना अभी शताब्दी वर्ष भी दो प्रकार का होता है इस शताब्दी का मतलब क्या होता है सताब्दी का मतलब होता है सौ सौ में कितने जीरो आते, है? आते हैं दो जीरो आते हैं शताब्दी का नियम लागू था लेकिन यहां आया शताब्दी वर्ष तो यहां शताब्दी जुड़ गया Yet यहां वर्ष में कितने... जब आप वर्ष की बात कर रहे थे तो यहां चार लिखा था लेकिन यहां जुड़ा शताब्दी तो शताब्दी का मतलब क्या होता है सौ सौ so, में कितने जीरो दो जीरो मतलब जब 20 शताब्दी वर्ष की बात होगी तो चार सौ से विभाज्यता का नियम लागू चार सौ से चार सौ से चार सौ से विभाज्यता का नियम लागू चार सौ से विभाज्यता का नियम लागू मैं क्या बोल रहा हूं एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा बस मिक्स मत करना गारंटी देता हूं इधर अभी शताब्दी वर्ष की बात करूं शताब्दी वर्ष दो प्रकार का होता है साधारण शताब्दी वर्ष लिप शताब्दी वर्ष शताब्दी वर्ष की जब भी बात होगी तो 400 से विभाज्यता का नियम लागू करेंगे अभी जब वर्ष की बात होगी तो 400 से जब सॉरी जब जब वर्ष की बात होगी तो चार से विभाज्यता का नियम लागू करेंगे जब शताब्दी वर्ष की बात होगी शताब्दी इस शताब्दी की बात होगी तो चार से विभाज्यता का नियम लागू करेंगे अभी देखना अभी साधारण शताब्दी वर्ष में कितने दिन होते हैं आप बताओ साधारण शताब्दी वर्ष में भी तीन सौ पैंसठ दिन होते हैं तीन सौ पैंसठ दिन सेम कॉन्सेप्ट है वही वाला बस यहाँ वहां वर्ष में चार से विभाज्यता का नियम लागू शताब्दी वर्ष चार सौ से विभाग लागू यहाँ तीन सौ पैंसठ दिन होते हैं बोले तो बावन सप्ताह बावन स... नोट्स बनाना साथ साथ में बावन सप्ताह एक दिन होता है बावन सप्ताह एक दिन और अगली बात करूं तो ऐसा बोल सकता हूं कि फरवरी कितने की होती है यहाँ फरवरी साधारण है ना साधारण साधारण मतलब फरवरी कितने की होती है अट्ठाइस की होगी अट्ठाईस दिन की होगी फरवरी या ऐसा बोले अभी यहां कितने से विभाज्यता का नियम लागू होगा शताब्दी वर्ष है तो चार सौ से विभाज्यता का नियम लागू होगा मैं बोलूं कि यहां चार सौ से भाग नहीं जाएगा चार सौ से चार सौ से भाग भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये तो साधारण है साधारण है तो चाय नहीं पिएगा चाय नहीं पिएगा तो चाय से भाग नहीं जाएगा 400 से भाग नहीं जाता है 400 से भाग नहीं जाता है अभी और बात करूं एग्जाम्पल देने की आपके सामने तो इधर देखना जैसे मैं बोलूं शताब्दी वर्ष की बात हो रही है तो जो भी आपके सामने मैं वर्ष लिखूंगा उसमें दो जीरो पीछे होना अनिवार्य है क्योंकि अभी वर्ष की बात हो रही थी तो दो हजार अट्ठारह दो हजार बीस दो हजार बाईस दो हजार पच्चीस दो हजार छब्बीस वर्ष है यदि मैं शताब्दी वर्ष की बात करूं तो शताब्दी में दो जीरो होते हैं चार सौ से विभाज्यता का नियम लागू होता है तो इसमें जरूरी है कि जो भी मैं एग्जाम्पल लिखूं उसमें दो जीरो पीछे होना ही चाहिए होना ही चाहिए और लेकिन चार सौ से भाग नहीं जाना चाहिए इधर देखो मैं लिखता हूं जैसे एग्जाम्पल में एक तो लिखता हूं उन्नीस सौ दूसरा लिखता हूं सत्रह सौ दूसरा लिखता हूं इक्कीस सौ इक्कीस सौ फिर अगला लिखता हूं अगला लिखता हूं तेरह सौ फिर अगला लिखता हूं पच्चीस बहुत सारे लिख सकते हैं आप अभी अपने मन से ए एग्जाम्पल लिख दिए नौ जैसे उन्नीस सौ यहां बताओ दो दो जीरो हैं सभी के पीछे की नहीं है इसलिए इनको ना तो अभी हम वर्ष बोलेंगे इनको हम बोलेंगे कि ये कौन से वर्ष है ये है साधारण शताब्दी वर्ष शताब्दी वर्ष क्यों बोल रहे हैं क्योंकि शताब्दी का मतलब होता है कि पीछे कितने जीरो दो जीरो तो यहां बताओ ये दो जीरो है कि नहीं है इसलिए इनको बोल दिया साधारण शताब्दी वर्ष अभी लीप वर्ष की बात करें तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी होता है कि तीन दिन चाहिए तीन दिन फिर चाहिए बावन सप्ताह बावन सप्ताह बावन सप्ताह दो दिन इसमें होंगे बावन सप्ताह दो दिन अभी यहां देखो यहां फरवरी कितने की होगी यहां भी फरवरी उन्तीस की होगी यहां फरवरी उन्तीस की होगी इसके बाद में बात करूं कि चार सौ से भाग जाएगा कि नहीं चार सौ से भाग चार सौ से भाग जाएगा चार सौ से भाग जाएगा इसलिए राइट लगा दिया अभी मैं इसके एग्जाम्पल देने की बात करूं तो एग्जाम्पल देखना एग्जाम्पल देखना जैसे आठ सौ बारह सोलह सौ दो हजार एग्जाम्पल हो गए कौन से वर्ष के हो गए लिप शताब्दी वर्ष के बहुत ही धुआंधार तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आप है ना एक एक बेसिक बताऊंगा मैं बिल बस बिल्कुल आपको आ, बस बहुत ही ध्यान से समझना है अभी देखो यहां साधारण शताब्दी वर्ष और लिप शताब्दी वर्ष आपको ध्यान रखना है कि वर्ष दो प्रकार के होते हैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट वर्ष दो प्रकार के होते हैं साधारण वर्ष लिप वर्ष चार से विभाज्यता का नियम लागू होता है अभी शताब्दी वर्ष भी दो प्रकार के होते हैं साधारण शताब्दी वर्ष और लिप शताब्दी वर्ष साधारण शताब्दी वर्ष और लिप शताब्दी वर्ष अभी मैं बात करूं तो साधारण शताब्दी वर्ष और लिप शताब्दी वर्ष जब शताब्दी वर्ष की बात होगी तो 400 से विभाज्यता का नियम लागू होगा साधारण शताब्दी वर्ष जिसमें 400 से भाग नहीं जाएगा वो साधारण शताब्दी वर्ष और जिसमें 400 से भाग चला जाएगा वो क्या होगा लिप शताब्दी वर्ष और अभी कोई डाउट हो तो बताओ वरना अंग्रेज कॉन्सेप्ट पर हम बढ़ने की कोशिश करते हैं और अंगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अभी डाउट है क्या किसी को आज के पेपर में कोडिंग डिकोडिंग बहुत आई है सर बिल्कुल कराएंगे कोडिंग डिकोडिंग और क्लॉक के एंगल वाले क्वेश्चन भी थे अभी मैं आपको क्लॉक के क्वेश्चन भी करा दूंगा एंगल वाले टेंशन मतलब है ना छुटकियों में उड़ा देंगे टेंशन मतलब आप तो बस थोड़ा सा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करो ताकि बच्चे यहां जुड़ पाए ज्यादा से ज्यादा अभी देखो इधर मैं कोशिश करता हूं अगली चीज आपको समझाने की क्या इधर देखो अभी हमने क्या पढ़ लिया महीने पढ़ लिए वर्ष भी पढ़ लिया कि वर्ष दो प्रकार के होते हैं एक साधारण वर्ष होता है साधारण वर्ष होता है दो प्रकार के होते हैं अभी शताब्दी वर्ष भी पढ़ लिया दो प्रकार के होते हैं साधारण शताब्दी वर्ष शताब्दी वर्ष अभी और देखो अभी मैं बताता हूं आपको कि जो लीप वर्ष होता है उसमें फरवरी 28 की क्यों होती है और जो साधारण वर्ष होता है उसमें फरवरी 28 की क्यों होती है और जो लीप वर्ष होता है उसमें फरवरी 29 की क्यों होती है इधर देखना है एक बार पहले अभी देखो अभी मैं बोलूं कि पहली साल की बात है पहली साल की बात है पहली साल ये दूसरी साल की बात है ये दूसरी साल आ गई ये तीसरी साल की बात है तीसरी साल आ गई अभी मैं ये चौथी साल की बात करता हूं ये चौथी साल आ गई इधर देखना एक मिनट अभी आप बताओ पहली साल में कितने दिन होंगे पहली साल में कितने दिन होंगे यानी बोले तो फर्स्ट ईयर में कितने दिन होंगे तीन दिन होंगे तीन दिन होंगे तीन दिन होंगे अभी मैं बोलूं कि सेकंड साल में कितने दिन होंगे यहां भी तीन दिन होंगे तीन कितने दिन होंगे तीन दिन होंगे अभी तीसरी साल है जो इसमें भी कितने दिन होंगे तीन सौ पैंसठ दिन होंगे इसमें भी तीन सौ पैंसठ दिन होंगे देखना अभी मैं बोलू कि चार साल में कितने दिन होंगे कितने दिन होंगे अभी आप बोलोगे कि सर जो चौथी साल आएगी उसमें तो तीन सौ छियासठ दिन होंगे होंगे कि नहीं होंगे माना कि ये दो हजार एक है पहली साल दो हजार दो हजार तीन और दो हजार चार मान सकते हैं कि नहीं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर तो मुझे ये बताओ पहली साल में कितने दिन तीन सौ दिन अभी आप ये बताओगे कि जो दूसरा साल है उसमें कितने दिन तीन सौ पैंसठ दिन और जो तीसरा साल है उसमें भी तीन सौ पैंसठ दिन लेकिन इसमें तीन सौ छियासठ दिन हुए क्यों अभी सुनो आप इसमें क्या होता है मैं आपके सामने बताऊं कि इसमें होते तो तीन सौ पैंसठ दिन है इसमें कितने होते हैं ध्यान से सुनना इसमें होते तो तीन सौ पैंसठ दिन है लेकिन यहां वास्तविकता में देखा जाए तो जो पहली साल होती है माना कि जैसे दो हजार एक है तो यहां तीन सौ पैंसठ दिन और घंटे और, और होते हैं छ घंटे और होते हैं बोले तो घंटा का समय और होता है तीन सौ दिन और छह घंटे एक साल में लेकिन ये बहुत थोड़ा सा छ दिन, दिन के मामले में छह घंटा बहुत नाजुक सा होने के कारण इसको इग्नोर कर दिया जाता है इसको क्या कर दिया जाता है इग्नोर कर दिया जाता है वैसे ही तीन सौ पैंसठ दिन छीन सौ पैंसठ दिन छह घंटे होते हैं और यहां भी तीन सौ पैंसठ दिन छह घंटे होते हैं लेकिन बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है बोला जाता है कि नहीं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है तो यहां तीन दिन छह घंटे फिर ये ये तो तो इसको 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 छोड़ 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 दिया, तो दिया, दिया, बना देता है और ऐसा बोल देते हैं कि हर चौथी साल में तीन सौ छियासठ दिन होते हैं अभी उम्मीद करता हूं कि सबको समझ में आ गया होगा कि हर साल में हर हर चार साल बाद फरवरी 29 की क्यों होती है आपको समझ में आ गया होगा मतलब 366 दिन क्यों आते हैं क्योंकि हर साल के छह छह घंटा छोड़ते जाते हैं हम पहली साल छह घंटा छोड़े दूसरी घंट साल तीसरी साल चौथी साल भी छह घंटे और ये मिला के चौबीस घंटे बना देते हैं तो तीन सौ पैंसठ दिन तो ऑलरेडी होना है चौबीस घंटे और जोड़ देते हैं इससे तीन सौ छियासठ दिन हो जाते हैं और तीन सौ छियासठ दिन हो जाते हैं और ये वर्ष जो चौथा वर्ष होता है वो क्या बन जाता है एक लीप वर्ष बन जाता है उम्मीद करता हूं अड़तालीस मिनट भी होते हैं बिल्कुल होते हैं भाई होते हैं 48 मिनट लेकिन सब्र करो सब्र करो सब्र का फल मीठा होता है जितना सब्र करोगे उतने आगे तक जाओगे है ना सब बताऊंगा मैं क्या बोल रहा हूं सब बताऊंगा आपको बस सब्र करो थोड़ा सा वीडियो को शेयर करो अभी देखो अभी मैं कोशिश करूं अभी आप है ना मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए बस अब आपको क्वेश्चन लगाना है तुम जिसको मानते हो उसकी कसम है एक एक आंसर सही सही देना है ना ध्यान रखना मुझे पता है कि तुम किसको मानते हो बताओ कमेंट बॉक्स में किसको मानते हो तुम एक बार बताना जरा एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ किसको मानते हो तुम आप देख नहीं रहे हो क्या नहीं देख रहे हो फिर लिख रहा है रात का राजा छोटा बच्चा हूं <laughs> सर मेरा कल पेपर है कोई दिक्कत नहीं पेपर है तो आराम से पानी पियो और दिमाग को फ्रेश करो और बस पेपर देने जाओ बिंदास अभी देखो अभी बच्चा बोल रहा है आपको मानते हैं आपको मानते हैं एक बोल रहा है विजय दुर्बड़ा कि चामुंडा माता को मानते हैं ठीक है कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर आपको मानते हैं आपको मानते हैं है ना मेरे को मानते हो तो मेरी कसम है मुझे एक, एक एक आंसर चाहिए बताओ इधर देखो करो पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन करो विषम को छाटिए विषम को छाटिए तो इसमें आंसर आएगा क्या अभी थोड़ा सा शेयर करो आपको मानते हैं ऑफिस स्टूडेंट हो सर जी सर जी आपको ठीक है अभी राम 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 राम, राम। अभी तो है ना छोटा बच्चा हूं लिख रहा है और बोलता है आपको मानता हूं सर अभी मेरे को मानता हूं तो मेरी कसम है जल्दी करो क्वेश्चन करो इसको जल्दी करो क्या आएगा इसका आंसर क्या आएगा मैं बता चुका हूं आपको कि कौन सा लिप वर्ष होगा कौन सा साधारण वर्ष होगा कौन सा साधारण शताब्दी वर्ष कौन सा लिप शताब्दी वर्ष अभी इधर देखो आप लोग है ना एक कमेंट करना बंद करो अभी इधर देखो पहले एक मिनट देखो इधर अभी आपको इधर देखना है एक मिनट मुझे यह बताओ कि यह कौन सा वर्ष वर्ष है? है पहले तो यह बताओ कि यह वर्ष है कि शताब्दी वर्ष है वर्ष है। क्या है वर्ष है. है क्योंकि यहां दो जीरो नहीं है पीछे यदि दो जीरो होते तो मैं बोलता शताब्दी वर्ष है यह वर्ष है कि शताब्दी वर्ष पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि यह शताब्दी वर्ष है कि वर्ष वर्ष है कि शताब्दी वर्ष शताब्दी वर्ष वो होगा जिसके पीछे दो जीरो होंगे वो शताब्दी वर्ष बोलेंगे कम से कम दो जीरो और वर्ष किसको बोलेंगे जिसके पीछे दो जीरो नहीं होंगे एक जीरो तो हो सकता है तो तो भी वर्ष मानेंगे अभी देखो अभी ये तो वर्ष है कि शताब्दी वर्ष तो इसको बोलेंगे वर्ष क्या है वर्ष है तो वर्ष भी किस प्रकार का है क्योंकि वर्ष भी मैंने बताए है दो प्रकार के होते हैं एक होता है साधारण वर्ष एक होता है लीप वर्ष अभी ये होता है कौन सा वर्ष है बताओ ए है कौन सा वर्ष साधारण वर्ष कौन सा वर्ष साधारण वर्ष कैसे पता चला क्योंकि यदि साधारण वर्ष है तो इसके पीछे के दो अंकों में चार से भाग नहीं जाएगा ये साधारण वर्ष है कौन सा वर्ष है साधारण वर्ष है मुझे ये बताओ ये कौन सा वर्ष है इसमें ये वर्ष है कि साधारण वर्ष तो पहले तो देखेंगे कि वर्ष है वर्ष है और वर्ष में भी कौन सा वर्ष है साधारण वर्ष की यानी बोले साधारण व्यक्ति वो होगा जो चाय यूज नहीं करेगा मतलब जिसमें चाय से भाग नहीं जाएगा चाय से भाग नहीं जाएगा तो ये कौन सा वर्ष है बताओ ए भी साधारण वर्ष है।, है अभी मुझे बताओ ये शताब्दी वर्ष है कि वर्ष है 1900 सौ शताब्दी वर्ष है कि वर्ष है

चार सौ से भाग नहीं जाएगा इसलिए इसको क्या बोलेंगे कि यह है साधारण 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 शताब्दी वर्ष क्या है साधारण शताब्दी वर्ष ये साधारण शताब्दी वर्ष है साधारण शताब्दी वर्ष है मतलब यह भी साधारण वर्ष है भी साधारण वर्ष यह भी साधारण शताब्दी वर्ष मतलब एक ही कैटेगरी में है और इधर देखो ये वर्ष तो है लेकिन वर्ष कौन सा है इसमें चार से भाग दे के देखो पीछे के दो अंकों में चार दूनी आठ एक बचा चार, ती बारा, मतलब चार से भाग चला गया मतलब इसने यूज कर ली है तो कौन सा आदमी आदमी हुआ हुआ स्टैंडर्ड यानी इसको तो यह लीप वर्ष और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या ए क्योंकि इसलिए होगा क्योंकि सभी साधारण वर्ष है या ऐसा बोले कि इन सभी में फरवरी अट्ठाइस अट्ठाईस की आएगी लेकिन इसमें फरवरी 29 की आएगी इसलिए ऑप्शन सही हो गया मैं क्या बोल रहा हूं एकदम बेसिक से लेकर चलूंगा और बहुत हाई तक ले जाऊंगा आपको इधर देखो अभी एक और महत्वपूर्ण बात देखो लीप वर्ष तथा साधारण वर्ष को पहचानो मुझे ये बताओ चार जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है पहले मुझे ये बताओ। ओके, इधर देखो चार सौ चौवन अभी चार सौ चौवन को मैं बोलूं के साधारण वर्ष है कि लिप वर्ष इधर देखो चार सौ चौवन यदि इसमें चार से भाग चला गया तो तो हो जाएगा लिप वर्ष यदि चार से भाग नहीं गया तो साधारण वर्ष चार से भाग जा रहा है क्या नहीं जा रहा है तो जो साधारण वर्ष हो देखो जो लिप वर्ष होगा उसके सामने तो आप ऐसा राइट का चिन्ह लगाओगे और जो साधारण वर्ष होगा उसके सामने आप क्रॉस लगाओगे है ना अभी देखो ये क्या है क्या है ए है क्या इसको बोले तो ये है हमारा साधारण वर्ष तो सा तो सा तो कौन सा वर्ष है साधारण वर्ष ये साधारण वर्ष है इसलिए इसको क्रॉस लगा दिया देखो साधारण वर्ष क्रॉस लगाना है ये कौन सा वर्ष है पहले तो ये बताओ कि शताब्दी वर्ष है कि लीप शताब्दी वर्ष है शताब्दी वर्ष में भी कौन सा प्रकार साधारण शताब्दी वर्ष की लीप शताब्दी वर्ष तो ये है हमारा कौन सा वर्ष साधारण शताब्दी वर्ष क्योंकि इसमें चार से भाग नहीं जाएगा तो इसको बोलेंगे साधारण शताब्दी वर्ष यहां लिख भी देता हूं लिखना हो तो ये है साधारण शताब्दी वर्ष कौन सा वर्ष साधारण साधारण शताब्दी वर्ष साधारण शताब्दी वर्ष साधारण शताब्दी वर्ष है इसको बोलेंगे क्या साधारण वर्ष क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे साधारण वर्ष क्योंकि बोलेंगे क्यों बोलेंगे साधारण वर्ष क्योंकि इसमें चार से भाग नहीं जा रहा है ये कौन सा वर्ष है ये भी साधारण शताब्दी वर्ष है क्योंकि इसमें दो जीरो है तो ये वर्ष तो बोलेंगे नहीं इसको बोलेंगे शताब्दी वर्ष क्योंकि दो जीरो है शताब्दी वर्ष में भी कौन सा प्रकार है ये साधारण शताब्दी वर्ष की लिप शताब्दी वर्ष तो ये साधारण शताब्दी वर्ष बोले तो 400 से भाग नहीं जाना चाहिए तो 400 से भाग नहीं जा रहा है तो इसको बोलेंगे कि ये भी साधारण शताब्दी वर्ष है देख सकते हो आप सभी साधारण शताब्दी वर्ष है अभी आगे की ओर बढ़े अभी इधर देखो ये कौन सा वर्ष है इधर देखो कौन सा वर्ष है इसको क्या बोलेंगे अभी आप है ना लीप वर्ष के सामने राइट का चिन्ह लगाओगे एक, एक साधारण वर्ष है क्या साधारण वर्ष है साधारण वर्ष है क्योंकि इसमें चार से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा पहले ये देखो आप पहले तो ये देखो कि चार से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा इसमें चार से भाग जा रहा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे कि ये है लीप वर्ष क्या बोलेंगे लीप वर्ष क्योंकि चार एकम चार बचा एक हो गया सोलह चार सौ को सोलह इधर बोलो इसको क्या बोलोगे ये भी लीप वर्ष है है? भी लीप वर्ष है क्योंकि इसमें भी चार से भाग जा रहा है इसमें आप बताओ कि, ये लीप है कि ये है। ए है और तो बोले चार सौ से तो बताओ इसमें चार सौ से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा चार सौ से भाग जाएगा इसलिए इसको बोलेंगे कौन सा शताब्दी वर्ष है लीप शताब्दी वर्ष आप लिख सकते हो कि लीप शताब्दी वर्ष है ये लीप शताब्दी वर्ष है इधर बोले तो ये तो वर्ष है लेकिन वर्ष में भी कौन सा प्रकार इसमें चार से भाग देंगे तो चार एकम चार चार चौको सोलह चार से भाग चला गया तो इसको बोलेंगे कि ये है कौन सा लीप वर्ष कौन सा है लीप वर्ष है इसको देखो इसमें चार से भाग नहीं जाएगा इसलिए इसको बोलेंगे कि ये कौन सा वर्ष है साधारण वर्ष है साधारण वर्ष है इसको क्या बोलेंगे इसको भी साधारण वर्ष बोलेंगे क्योंकि इसमें भी चार से भाग नहीं जाएगा इसमें भी क्या जाएगा चार से भाग कि नहीं जाएगा पीछे के दो अंकों में देखना है देख भाग देके तो इसमें भी चार से भाग नहीं जाएगा और बोलेंगे कि यह भी साधारण वर्ष है यह भी कौन सा वर्ष है साधारण वर्ष लेकिन इसमें कितने से विभाज्यता का नियम लागू करेंगे आप बताओगे इसमें चार सौ से विभाज्यता का नियम लागू करेंगे इसलिए क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष होता है तो हमें चार सौ से विभाज्यता का नियम लागू करना होता है अभी शताब्दी वर्ष में से कौन सा प्रकार है साधारण शताब्दी वर्ष की लिप शताब्दी वर्ष यदि चार सौ से भाग चला गया तो लिप शताब्दी वर्ष और चार सौ से भाग नहीं गया तो साधारण शताब्दी वर्ष तो इसको बोलेंगे कि यह साधारण शताब्दी वर्ष है अभी यहां बताओ ये कौन सा वर्ष है साधा ये तो वर्ष है ना ये वर्ष कौन सा है साधारण वर्ष की लिप वर्ष तो इसको बोलेंगे कि यह साधारण वर्ष है कौन सा वर्ष है साधारण वर्ष है क्यों है साधारण वर्ष क्योंकि चार से भाग नहीं जा रहा है इधर देखना इसमें ये तो शताब्दी वर्ष है शताब्दी वर्ष है क्योंकि दो जीरो है अभी शताब्दी वर्ष में कौन सा प्रकार तो बोलेंगे कि साधारण शताब्दी वर्ष है क्योंकि चार सौ से भाग नहीं जाएगा इसलिए साधारण शताब्दी वर्ष अभी ये तो वर्ष है वर्ष है तो वर्ष है तो कितने से विभाज्यता का नियम लागू चार से विभाज्यता का नियम लागू तो इसमें चार से भाग चला जाएगा और कितना हो जाएगा बारह हो जाएगा चारह तीन बार में भाग चला जाएगा इसलिए इसको बोलेंगे है, नहीं सॉरी साधारण शताब्दी वर्ष नहीं शताब्दी वर्ष है शताब्दी वर्ष में चार सौ से विभाज्यता का नियम लागू होता है चार सौ से भाग चला जाएगा इसलिए बोलेंगे कि लीप शताब्दी वर्ष है इसको देखो चार से विभाजता का नियम लागू करना है तो चार से भाग पीछे के दो अंकों में चला जाएगा इसलिए इसको बोलेंगे कि कौन सा वर्ष है लीप है।, है लीप वर्ष कौन सा वर्ष है लीप वर्ष है इसको देखो चार से भाग चला जाएगा इसलिए ये भी लीप वर्ष है यहां देखो ये कौन सा वर्ष है ये भी लीप वर्ष है क्योंकि इसमें भी पीछे के दो अंकों में चार से भाग चला जाएगा मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को लीप वर्ष साधारण वर्ष लीप शताब्दी वर्ष और साधारण शताब्दी वर्ष का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कहीं दिक्कत हो तो बताओ कमेंट में बताओ तीस सेकंड के अंदर में सबके कमेंट ले लेता हूं एक मिनट के अंदर और जो भी जिसकी समस्या होगी मैं बता दूंगा बच्चे बोल रहे हैं सर सबका क्लियर हो गया है सबका क्लियर हो गया है तो धन्यवाद आप सभी को एक ही बार में कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है बीच में आप लोग नहीं आएंगे यदि बीच में आएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी इसलिए आप पीछे जाकर मेरा वीडियो शुरू से देख लेंगे हर बात क्लियर हो जाएगी अभी आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं बस आपको अलग अलग रखना है चीजों को ओवरलैप करोगे तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि मार्केट में ओवरलैपिंग चल रही है वर्ष कितने प्रकार का साधारण वर्ष ये वर्ष को देख लो इधर ये साधारण वर्ष है लीप वर्ष अभी दो प्रकार का होता है साधारण वर्ष चार से भाग नहीं जाए तो साधारण वर्ष वर्ष चार से भाग चला जाए अभी शताब्दी वर्ष शताब्दी वर्ष कितने प्रकार का दो प्रकार का साधारण शताब्दी वर्ष और लिप शताब्दी वर्ष शताब्दी में शताब्दी लगा है इसलिए इसमें चार सौ से विभाजता का नियम लागू होता है तो साधारण शताब्दी वर्ष उसको बोलेंगे जिसमें चार सौ से भाग नहीं जाएगा और लीप शताब्दी वर्ष उसको बोलेंगे जिसमें चार से भाग चला जाएगा बस इतना सा तो कॉन्सेप्ट है इसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा और इधर देखने की कोशिश करो और आंसर देके दिखाओ कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी आप पढ़ा ही ऐसा रहे हो कि समझ में क्यों नहीं आएगा बिल्कुल मैं कोशिश करता हूं कि मेरे सामने बैठा एक एक बच्चा क्योंकि आपकी पिटाई तो लगा नहीं सकता हूं पास आकर भी नहीं देख सकता हूं है ना तो मैं कोशिश करता हूं कि मेरे सामने आप लोग बैठे हुए हो और बहुत ज्यादा हंस रहे हो है ना तो मुझे समझाना पड़ेगा इस ये सोचकर कि आप मेरे सामने बैठे हो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आ रहा है इसलिए मैं है ना ऐसे समझाता हूं इधर देखो अभी आपको क्या देखना है अभी मैं आपको बताऊं थोड़ा ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं आप क्वेश्चन लेवल के तभी कर पाओगे जब आपका बेसिक क्लियर होगा अभी कोई कुछ बच्चे समझ रहे होंगे कि सर इतना लो लेवल पढ़ा रहे हो आप इतना लो लेवल पढ़ा रहे हो भैया आपको यदि लो लेवल आता है तो आप कहीं और पढ़ सकते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, है ना लेकिन मुझे हर एक बच्चे को साथ में लेके चलना है चाहे वो कितना भी कमजोर हो मैं लो लेवल से पढ़ाऊंगा और यदि आपको हाई लेवल देखना है तो मेरे से एक आज नहीं कल मिलिएगा आपको पता चल जाएगा कि हाई लेवल होता क्या है है ना इधर देखो अभी बोलू कैलेंडर के पहले पांच वर्ष में कितने लीप वर्ष हैं ध्यान देना कैलेंडर के, के पहले पांच वर्ष में यह शब्द लगा है ना इन शब्दों पर ध्यान रखा करो कैलेंडर के, के पहले पांच वर्ष में कितने लीप वर्ष हैं कैलेंडर के, के पहले पांच वर्ष पहला वर्ष दूसरा वर्ष तीसरा वर्ष और चौथा वर्ष और हर चार साल बाद क्या आता है एक लीप वर्ष आता है मैंने बताया था कि पहले दिन तीन सौ पैसठ दूसरे दिन तीन सौ पैसठ तीसरी साल तीन सौ पैंसठ और चौथरी साल भी तीन सौ पैंसठ लेकिन यहां का छह घंटा यहां का छह घंटा और यहां का छह घंटा आपस में जुड़ के क्या बना देता है यह चौबीस घंटे बना देता है और तीन सौ छियासठ दिन हो जाते हैं तो मैं बोलूं कि कैलेंडर के पहले पांच वर्ष में कितने लीप वर्ष कैलेंडर के पहले पांच वर्ष में मतलब पहला दूसरा तीसरा और चौथा वर्ष लिप वर्ष होगा कि नहीं होगा क्योंकि पहले बोल रहा है पहले पांच वर्ष तो आप ये डायरेक्ट निकाल सकते हो कि इसमें चार से भाग दे दिया कितना बचा एक बचा मतलब एक लीप वर्ष होगा लेकिन एक लीप वर्ष तो होगा लेकिन कौन सा साल लीप वर्ष होगा तो मैं बोलूंगा कि जो चौथा साल होगा फोर्थ साल होगा वो लीप वर्ष होगा होगा कि नहीं होगा अभी देखो एक लीप वर्ष होगा समझा दिया है मैंने वो कौन सा साल होगा चौथा साल होगा अभी ये लिखा है कि कैलेंडर के पहले दस वर्ष में कैलेंडर के पहले दस वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे? यहां एक लिख लेना आंसर ऊपर एक लीप वर्ष लेकिन कौन सा साल चौथा साल इधर देखना कैलेंडर के पहले दस वर्ष में यदि पहले दस वर्ष बोल दे तो डायरेक्ट चार से भाग लगा सकते हैं डायरेक्ट चार से भाग लगा सकते हैं क्योंकि यदि हम देखेंगे कैलेंडर के पहले तो पहले तो चौथा साल लिप वर्ष होगा फिर आठवा होगा फिर बारवा होगा फिर सोलवा होगा फिर 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 चौबीसवा तो इधर देखो यदि दस साल में बताना है तो कितने वर्ष लिप वर्ष होंगे दो से भाग लगाओगे कितना तो पहले तो चारवा वर्ष लिप वर्ष होगा और आठवा वर्ष लिप वर्ष होगा आठवा वर्ष लिप वर्ष होगा तो कितने वर्ष लीप वर्ष होंगे दो लीप वर्ष होंगे कितने लीप वर्ष होंगे दो होंगे चार से भाग लगाया दस में तो ऐसा भी निकाल सकते हो देखो चार से भाग लगाएंगे तो चार आठ दो बार भाग गया तो दो लीप वर्ष होते हैं अभी देखो अभी पंद्रह वर्ष में निकालना है तो चार वारा चारा यानी बोले तो तीन तीन लीप वर्ष होंगे कौन कौन सा होगा एक चार चौथा साल होगा एक आठवां साल होगा और एक बारवा साल होगा बारवा साल होगा कि नहीं होगा क्योंकि लिबर्स होगा इधर देखना अभी मैं बोलू कैलेंडर के पहले पहले पच्चीस साल में पहले पच्चीस वर्ष में कितने लिबर्स होंगे तो चार छ चार भाग लगा देंगे देखो चार से क्योंकि पहले पूछ रहा है इसलिए लगा रहे हैं भाग अभी बताऊंगा कि भाग कहां नहीं लगा सकते चार छोबीस मतलब छह लीप वर्ष होंगे अब कौन कौन सा होगा अभी आप बता दो एक तो चौथा साल होगा पहला लीप वर्ष फिर आठवा होगा फिर बारवा होगा फिर सोलवा फिर बीसवा फिर चौबीसवा होगा कि नहीं होगा ये हो गए देखो छह लीप वर्ष हो गए कि नहीं अभी देखो मैं बोलू कैलेंडर के पहले पचास वर्ष में कैलेंडर के पहले पचास वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे मुझे पहले पचास वर्ष में निकालना है तो चार से डायरेक्ट भाग दे सकता हूं चारे कम चार एक बचा आठ यानी बोले तो कैलेंडर के पहले पचास वर्ष में कितने लिप वर्ष आएंगे वारा लिप वर्ष आएंगे उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा दो से नहीं चार से भाग देना है सर जी समझ गया हूं मैं वहां लिख दिया था दो गलती से लिख गया था भैया मेरे लल्लू लाल यहां चार से भाग देना है जी ठीक है ना अभी देखो उम्मीद करता हूं कि सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैलेंडर के पहले पांच वर्ष में बोलूं तो पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ष लिप वर्ष होगा फिर आठवा होगा फिर बारवा होगा फिर सोलवा फिर चौबीसवा होगा कि नहीं होगा फिर अट्ठाइसवा फिर बत्तीसवा ऐसे बढ़ते जाएंगे तो चार से भाग डायरेक्ट दे सकते हैं इसका शोट लेना चाहते हो तो ले लो इसके बाद हम आगे की बात करते हैं इधर देखना बोलो अभी देखना अब दिखाता हूं तुमको खेल अभी बताओ अभी मैं बोलू अच्छा आयुष सोलंकी सर आज रीजनिंग बहुत सरल थी आपकारी में अभी आपने पढ़ी होगी इसलिए सरल रही लग रही होगी बेचारे कुछ बच्चों से पूछे तो बोलते हैं सर रीजनिंग तो बड़ी दिक्कत दे रही है इधर देखो अभी मैं बोलू दस वर्ष में कम से कम ध्यान देना दस वर्ष में कम से कम कितने दस वर्ष में कम से कम कितने लीप वर्ष होंगे अभी ये नहीं लिखा है कि पहले दस वर्ष में ध्यान देना पहले नहीं लिखा है क्योंकि यदि लिख देता कि पहले दस वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे पहले दस वर्ष में पहले दस वर्ष में तो तो हमें पता है कि जब पहले दस वर्ष में पूछा है तो जो चौथा साल आएगा वो भी लिप वर्ष होगा जो आठवा आएगा वो भी लिप वर्ष होगा तो यहां तो कितने लिप वर्ष हो जाएंगे दो लिप वर्ष हो जाएंगे हो जाएंगे कि नहीं लेकिन यहां मेरे लाल ये नहीं लिखा है कि पहले दस वर्ष में वो तो ये पूछ रहा है कि दस वर्ष में कम से कम बताना है कम से कम कितने लीप वर्ष होंगे कम से कम का मतलब है कि आप कोशिश करो कि कम से कम आना चाहिए लीप वर्ष इसका आंसर देके दिखाओ कौन वो बच्चा है कि जो ये बता सकता है आ, कि दो लीप वर्ष, दो लीप वर्ष एक बोल रहा है स्मार्ट बॉय सन एक स्मार्ट बॉय जो आपने बताया है एक आंसर मुझे ये बताओ कि वो कौन सी तिथि है आपने की दस साल का डिफरेंस लिया हो और कम से कम लीप वर्ष आ जाए ऐसा बता सकते हो क्या इधर देखो एक होगा क्यों होगा एक देखो अभी मैं बोलूं अठारह से अठारह से 1907 1907 कितने साल हो गए अठारह से 1907 कितने साल हो गए दस साल हो गए इन दस साल में क्योंकि ये लिखा है दस वर्ष में अभी ये नहीं पता है कि किस कि सन के बीच के दस साल हैं वो 1980 से 1985 तक के हैं या 1990 से 2000 तक के हैं ये कुछ भी नहीं पता है उसने तो बताया कि 10 वर्ष में कम से कम कितने लीप वर्ष होंगे तो लीप वर्ष कम से कम बताना है तो एक होगा कैसे होगा देखो अभी अठारह से जाएंगे हम अठारह जो कि लीप वर्ष नहीं होगा अठारह भी लीप वर्ष नहीं होगा अभी आप बताओ जैसे ही हम उन्नीस पर जाएंगे तो ये उन्नीस क्या होगा आप ये बताओ उन्नीस होगा एक शताब्दी वर्ष कौन सा वर्ष होगा शताब्दी वर्ष लेकिन शताब्दी वर्ष में भी कौन सा प्रकार होगा साधारण शताब्दी वर्ष की वर्ष साधारण शताब्दी वर्ष होगा कि लिप शताब्दी वर्ष तो मैं बोलूं कि यह साधारण शताब्दी वर्ष होगा साधारण शताब्दी वर्ष क्यों होगा क्योंकि चार सौ से भाग नहीं जाएगा चार सौ से भाग नहीं जाएगा इसलिए साधारण शताब्दी वर्ष होगा फिर उन्नीस सौ एक में नहीं जाएगा 1902 में भी नहीं जाएगा 1903 में भी नहीं जाएगा और 1904 जैसे ही लिखेंगे तो 1904 में आप चार से भाग देके देखिए तो एक चला जाएगा भाग और तो 1905 में भी नहीं जाएगा 1906 में भी नहीं जाएगा 1907 में भी नहीं जाएगा मतलब इसका आंसर क्या बोलेंगे कि एक ही डेट ऐसी है कि दस वर्ष में कम से कम एक वर्ष है वो अट्ठारह से उन्नीस है ध्यान रखना तीन नहीं आएगा 2008 से 2018 इसमें तो ज्यादा हो गए अभी मैं बताऊंगा अभी है ना आप सब्र रखो देखो अगला क्वेश्चन क्या है देख लो फिर बताओ मैं क्या बोल रहा हूं मुझे एक एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है मेरा उद्देश्य पढ़ाना नहीं है मेरा उद्देश्य एक एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ताकि वो भीड़ से अलग हो जाए भीड़ से क्या हो जाए भीड़ से अलग हो जाए और एक एक बच्चे का मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं इधर देखो ध्यान से देखो अभी दस वर्ष में ज्यादा से ज्यादा मतलब आपको ऐसी डेट लेना है कि दस वर्ष में ज्यादा से ज्यादा लिबर्स आ जाए मैं बात करूं तो इधर देखना एक बार मैं एक डेट लेता हूं 2003 से 2003 से 2003 से 2013 तक 2003 से 2013 तक यहां वर्ष एक बार काउंट करके देखो कितने वर्ष आते हैं मैं 2003 से काउंट करूं तो एक तो वर्ष आएगा सबसे पहले कौन सा 2004 क्यों आएगा 2004 क्योंकि इसके पीछे के दो अंकों में चार से भाग चला जाएगा इसलिए कौन सा वर्ष हो जाएगा लिप वर्ष हो जाएगा इसके अलावा मैं दो में भी चार से भाग नहीं जाएगा दो में भी नहीं जाएगा 2007 में भी नहीं जाएगा फिर किस में जाएगा 2008 में भी चला जाएगा चार से दो अंकों में पीछे के भाग अभी देखो 2012 में भी चला जाएगा इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा कि 10 वर्ष में ज्यादा से ज्यादा पूछा है तो 10 वर्ष में ज्यादा से ज्यादा कितने लीप वर्ष होंगे तो इसका आंसर हमें देना पड़ेगा कि दस वर्ष में ज्यादा से ज्यादा कितने लीप वर्ष होंगे तीन और कम से कम कितने लिप वर्ष होंगे तो एक लिप वर्ष होगा जो कहां से अठारह से 1907 के बीच होगा अभी देखो अगला क्वेश्चन आपको करना है ये बताओ कि 10 वर्ष में कुल कितने है ना आपको एक एक शब्द पढ़ना है क्योंकि एक शब्द आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है आपने देख लिया है छोटे छोटे से शब्द है ना जितने छोटे होते हैं उतने ही खोटे होते हैं एक बार करके दिखाओ अभी बच्चों के आंसर आ गए थे तीन 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 तीन, तीन। सर यार बता दो बता दिया अठारह सो संतानवे से उन्नीस सौ सात के बीच अभी इधर बताओ इसका आंसर क्या होगा दस वर्ष में कुल कुल बताना है कि कुल कितने वर्ष होते हैं दस वर्ष में दस वर्ष में आपको कुल वर्ष बताना है इसका आंसर आप क्या करके आओगे कमेंट में बताओ कि क्या आएगा और ये भी बताना है कि सेशन कैसा लगा है आपने पहले ऐसा कैलेंडर क्या कभी पढ़ा है अभी ये तो मैं क्या बता रहा हूं कि अभी तो स्टार्टिंग है अभी आपको जादू दिखाना तो बाकी है जो आपने मार्केट में मचा रखा है कि सर इसका दिन का इसका कोड होता है ये फलाना ढिकाना एक भी कोड यूज नहीं करेंगे चुटकियों पर आंसर लाएंगे बस इंतजार करिए थोड़ा सा मतलब कल है ना आपको बिल्कुल वास्तविक कॉन्सेप्ट के ऊपर लेके आ जाऊंगा ये तो मैंने अभी है ना नहीं भरी है मकान कल से खड़ा करूंगा एक बेहतरीन कारीगर लाऊंगा आपके सामने और फिर देखना कितने खतरनाक तरीके से है ना पढ़ाई करते हैं ठीक है और कुछ यदि आप बोलना चाहते हो तो अभी साइंस वाले सर आ चुके हैं एकदम भयंकर तरीके से सज धज पाउडर भी बहुत ज्यादा लगा लिया है <laughs> सर प्लीज बता दो सर बीबीए से एमपीटेट में कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं अच्छा अभी देखो बीबीए का मुझे तो नहीं है एक्सपीरियंस इतना आप के लिए जो मैं बताता हूं है ना कोई बात नहीं मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं क्योंकि मैंने तो इस लाइन में मैं गया नहीं हूं आप किसी अपने सहपाठी से या कोई आपका और टीचर हो तो उससे सहायता लीजिए है ना मैं गुमराह करने की कोशिश एक भी परसेंट नहीं करता हूं क्योंकि मेरे खून में नहीं है जो बोलता हूं स्पष्ट बोलता हूं और कुछ बोल है क्या राजेश परमार जी बस मेहनत करते रहिए गारंटी देता हूं कैलेंडर एकदम चुटकियों में उड़ाओगे बने रहिए आज तक पर और मिलता हूं कल एक नए सेशन के साथ जय हिंद जय भारत धन्यवाद